नमो नमो मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्कान शर्मा के प्रथम काशी आगमन के अवसर पर कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। ये भव्य स्वागत वाराणसी की राजा तालाब स्थित SH वाटिका बंगालीपुर में 10 सितंबर को किया जाएगा। परार्कर स्मृति भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला अध्यक्ष नमो नमो मोर्चा आनंद कुमार पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्कान शर्मा को पदाधिकारियों के साथ पंचकोसी के दूसरे पड़ाव माँ भीम चंडी देवी मंदिर में पूजन अर्चन करने के बाद उन्हें गाजे बाजे के साथ कार्यक्रम स्थल पर ले जाया जाएगा। इसके पश्चात वैदिक आचार्य अमित कुमार पांडे और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंगलाचरण तथा शंखनाद किया जाएगा। प्रेस वार्ता का कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि हमारे जिले में हमारे संगठन के नमो नमो मोर्चा उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मुस्कान शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी जी और जो तमाम हमारे प्रदेश और प्रदेश के पदाधिकारीगण आ रहे हैं, जिनके स्वागत समारोह का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। कार्यक्रम का स्थान है SHS वाटिका, 10 तारीख को कहाँ पे SHS वाटिका राजा तालाब बंगालीपुर में कार्यक्रम, लोगों की आने की संभावना है स्वागत समारोह में। इस स्वागत समारोह में रोहनिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी, क्या मुख्य बिंदु होगी इस स्वागत में और क्या कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे? देखिए, हम लोगों का जो संगठन के का उद्देश्य है, यह है एक प्रकार से सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का गुणगान करना, और अगर जनता के अहित में कोई कार्य किया जा रहा है तो उसको सरकार तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। हम लोगों का यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के लिए हम लोग स्वागत समारोह और जनता को संबोधित भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण करेंगे। 10 तारीख को HS वाटिका बंगालीपुर राया तालाब वाराणसी में समय 12 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मुस्कान शर्मा जी का स्वागत समारोह है, क्योंकि इनका हम लोग के संगठन में जब से हम लोग पदाधिकारी चुने गए हैं इनका प्रथम आगमन है। प्रथम आगमन पे हम लोग जो है इनका स्वागत सम्मान करेंगे और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान करेंगे। प्रदेश अध्यक्षता श्रीमती, कितने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे? हम लोग करीब 150 से 200 कार्यकर्ताओं का। क्या संदेश देंगे? संदेश देंगे उन लोग की सरकार के प्रति जो कार्य किया जा रहा है, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय योगी जी के कार्यों का हम लोग जो है हर जगह प्रचार प्रसार करेंगे, और कहीं से कोई अगर जनता तक कार्य नहीं पहुंच रहा है सरकार का तो हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, सरकार तक सूचना देंगे। लेकिन बात की जाए तो जहां तक सरकार सपा कांग्रेस कहती है उनका कहने का काम है, हम लोग अपना कार्य करते चले जाएंगे। अभी अखिलेश यादव ने भी कल डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य से कहा है कि 100 विधायक लेके आइए तो आपको हम CM बना दें। कहने के लिए हर लोग कहते हैं, समय आएगा जैसा उस तरीके उनको जवाब मिलेगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।